सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा क्वेश्चन पेपर था इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जैसे कल मैंने यूनिट 5 का दिया था ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा। आगे मैं पेपर का रिव्यू कर देता हूँ, आप देख लीजिए पेपर कैसा था। हाँ, इस पेपर को देख के अपने पेपर का अंदाज़ा ना लगाएं, ये बीकॉम ऑनर्स का पेपर था और अब जो होने जा रहा है वो बीकॉम प्रोग्राम का पेपर है। थ्योरी आप इसके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आपने जो करा है उसी के अकॉर्डिंग जाएं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि पेपर को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्या था, चलिए आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये आज का पेपर है आपका जो अभी हुआ है सुबह 9 बजे, 9 से 12 के बीच में। दोनों ही पेपर बीकॉम ऑनर्स का है। प्रोग्राम वाले बच्चे इस पेपर दोनों पेपर को देख के ऐसा अंदाज़ा ना लगाएं कि हमारा पेपर ऐसा आएगा, बस हाँ थ्योरी हेल्प ले सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन हमारा आया था किसका, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। फिर से उसके बायबैक के क्या कंडीशन है, थ्योरी सिंपल थ्योरी था। बोनस इशू करने के गाइडेंस क्या है, उसके साथ डिबेंचर का क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का है। और इनका पेपर भी जो है वो कंपेयर जो हमारा एसओएल का था वो 90 मार्क्स का था, इनका कम का है 75 मार्क्स के अप्रॉक्स का है, अभी देख लेंगे वो। और उसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आया जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था कैश फ्लो का। इसके साथ हमारा नोट्स टू अकाउंट्स जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला बनाना था वो बनाना था, टैक्स का ट्रीटमेंट करके दिखाना था। और आगे हम बात करें किसका सर, आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, आगे बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन में सेकंड का और पार्ट जो था, हाँ एक यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आ गया कि आपका यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ये डेट इक्विटी, वैसे जिसने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो सिंपल कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान था, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो दिक्कत आ जाएगा। तो रेशो भाई एक बार देख लेना फॉर्मूला। बी पार्ट में इसके आ गया हमारा क्या सर, रेशो का ही था। और बी पार्ट में मतलब जो फाइनल अकाउंट का आना था, तो इसने क्या करा, फाइनल अकाउंट का पूरा क्वेश्चन ना देखे सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इक्विटी वाला सेगमेंट बनवा लिया इन्होंने, मतलब कि सिर्फ आपका फर्स्ट नोट बनवाना था वो बनवा लिया शेयर कैपिटल वाला। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, थर्ड क्वेश्चन तो ठीक था, हाँ आपका वैल्यूएशन ऑफ यहाँ पे आ गया शेयर्स का और 9 मार्क्स का, और बी पार्ट में दे दिया वैल्यूएशन ऑफ आपका गुडविल का 9 मार्क्स का, 18 मार्क्स का। इसके और में फिर से वही क्वेश्चन आ गया और एक थ्योरी दे दिया कि व्हाट इज़ द कोलैबोरेट द आपका ब्रांड अकाउंटिंग, ब्रांड अकाउंटिंग में क्या है वो चीज़ें दे दिया, और थोड़ा सा आगे हमें पॉइंट और बढ़ा के इन्होंने दे दिया। तो ए पार्ट इजी था, बच्चों ने ए पार्ट किया होगा, और वाले पार्ट में थ्योरेटिकल और ये पार्ट बच्चे छोड़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 6 नंबर का हमारा एमलगेमेशन आया है जिसमें सिर्फ पास एक्विजिशन एंट्री करना था, जिस बच्चे को आता होगा सिंपल कर सकता है। रिकंस्ट्रक्शन उसके साथ आया, रिकंस्ट्रक्शन इतना टिपिकल नहीं था, और मैं एमलगमेशन का ही पूरा क्वेश्चन दिया इन्होंने, पूरे 18 नंबर का एमलगमेशन। तो मैं मानूंगा कि एसओएल से मुश्किल पेपर था ये, अगर मेरे से कोई पूछता है। पांचवा क्वेश्चन वही एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, इसके डिफरेंस क्या है, और एक छोटा सा आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन आ गया। और में जो था वो XBRL की रिपोर्टिंग है CSR। तो मैं प्रोग्राम वाले बच्चों को बोलूँगा कि यूनिट 5 के थ्योरी इससे हेल्प ले सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल का हेल्प मत लीजिए, आपका शेयर कैपिटल आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और दूसरा फाइनल अकाउंट आपका आता है, आएगा ही आएगा, और जैसे जैसे हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं डाल देता हूँ आपके चैनल पे, नीचे एप्लीकेशन पे ही डाल देता हूँ, जिसको डाउनलोड करके PDF देखना है वो देख सकता है। थैंक यू सो मच, बस इससे हिंट लेना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, पेपर जैसा भी आपका पेपर इससे ईजी आएगा। थैंक यू सो मच।